हम सब देखते होंगे कि भगवान श्री राम का वनगमन और राम राज्य की स्थापना के पीछे का हेतु कहां से प्रारंभ होता है। ये भाव पैदा होता है सामाजिक समता से, ये भाव पैदा होता है आपसी समन्वय से, ये भाव पैदा होता है एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करने से। भगवान राम का वन का जीवन, वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन के माध्यम से मानव कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं, इसका भी एक आदर्श उदाहरण है। आप याद करिए, जंगलों में रहने वाले हरेक वन्य जीव को किस रूप में संरक्षण भगवान राम का प्राप्त होता है, चाहे वह उनकी पूरी सेना में आप देखिए, भगवान राम और लक्ष्मण दो भाई हैं, न उनके साथ अयोध्या से सेना गई है, न जनकपुर से सेना की मांग की गई है, उसी वनवासी समुदाय को उन्होंने एकजुट किया, हरिजनों गिरिजनों वनवासी समाज को एकजुट करके उस कालखंड में सबसे बड़े अन्याय अत्याचार के प्रतीक रावण के खिलाफ जिस सेना को उन्होंने इकट्ठा किया था, वह सेना अंततः सत्य धर्म और न्याय का मार्ग का अनुसरण करते हुए विजयश्री को प्राप्त करती है। एक तरफ अपने वनवासी समुदाय को, हरिजनों गिरिजनों को अपने साथ जोड़ करके सामाजिक समता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरी तरफ वनवासी समाज के संरक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आज को मूर्त रूप देना। भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो एक आदर्श हम सब के सामने रखा, उसी का परिणाम था आतंकवाद पर त्रेता युग के उस समय के सबसे बड़े अन्यायी सबसे बड़े अत्याचारी पर विजय श्री प्राप्त करने में भगवान राम को सफलता प्राप्त हुई थी। मुझे लगता है ये केवल त्रेता युग की बात नहीं, ये हर कालखंड में हम सबके लिए बराबर लागू होता है। अगर समाज में कोई एक तबका अपने आप को विकसित महसूस करे, कोई एक तबका अपने आप को उपेक्षित या फिर समाज की मुख्य धारा से कट जाए, यह विकास में स्वयं में एक बाधक है। सर्वांगीण विकास की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वह कालखंड हम सबको कई प्रकार से प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करता है। हम सबके जीवन में सदैव हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य न खो करके उन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा प्रदान करता है, और यही कारण है हजारों वर्षों के बाद भी हम भगवान राम के उन स्मृतियों को ऐसा मान करके देखते हैं जैसे कल की घटना हो। भगवान राम के जीवन से घटित घटनाएं ऐसे लगती हैं जैसे हमारे स्वयं के पारिवारिक, हमारे सामाजिक, हमारे सार्वजनिक जीवन में घटित हो रही घटनाओं के इर्द गिर्द ये सब घटनाएं घूम रही हैं, और उनसे देख करके जब हम लोग देखते हैं कि भगवान राम ने उन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके उन चुनौतियों का सामना किया और अंततः विजय श्री का वर्णन किया, वही हम सबके जीवन में भी निरंतर हो सकता है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आज वर्क्स पीठ की इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार पुनः आपके बीच में सरामला मैदान में उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की परंपरा वर्क्स पीठ की इस रामला मैदान के बिहारी बाग से प्रारंभ होती है। विजयादशमी के दिन गोरक्षपीठ से गोरक्षपीठाधीश्वर स्वयं आकर के मानसरोवर में भगवान शिव का अभिषेक करने और अभिषेक के बाद फिर यहाँ पर रामला मैदान में भगवान राम का राजतिलक करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए
आज एक बार पुनः मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर इस रामेला को रामेला समिति पूरी तरीके से बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रही है और इस बार तो यहाँ पर नई साज सज्जा के साथ रामेला मैदान दिखाई दे रहा है और मुझे विश्वास है कि अगली बार जब यह आयोजन यहाँ पर विजयादशमी का होगा तो एक भव्य मंच के साथ पूरी भव्य रामेला का आयोजन हम सबको देखने जानने और सुनने को प्राप्त होगा। मानसरोवर का भी आप देख रहे होंगे कि जीर्णोद्धार हो रहा है, ताल का भी और मंदिरों का भी। चार मंदिर हैं, चार मंदिर के लिए चार लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, जिनके सहयोग से वो चारों मंदिर बन रहे हैं। उसमें एक मंदिर का निर्माण श्री विष्णु जी सरिया जी के द्वारा किया जा रहा है, एक मंदिर श्री ओम प्रकाश करमचंदानी जी के द्वारा जीर्णोद्धार किया जा रहा है, एक मंदिर का जीर्णोद्धार जो सबसे पीछे चल रहा है उसे जवाहर कशोधन कर रहे हैं, और एक मंदिर श्री अरुण अग्रवाल यानी लाला बाबू, इन चारों के द्वारा चार मंदिरों का वहां पर पुनरोद्धार का कार्य किया जा रहा है। हजारों वर्षों की परंपरा को इन चारों लोगों ने मिलकर के फिर से एक नई दिशा दी है। मैं इन चारों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि चारों लोगों ने धर्म संरक्षण के लिए और धर्म के ऋण से ऋण होने के लिए एक पवित्र कार्य को अपने हाथों में लिया है। अभी 26 अक्टूबर को अयोध्या में दीपावली के एक दिन पहले हम लोग दीपोत्सव का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। विगत दो वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी होगा और मैं चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर अच्छा भव्य मंच बने अयोध्या में, इस बार तमाम देशों की रामलीलाएं भी आएंगी। रामलीला केवल आप गोरखपुर में ही करते होंगे या उत्तर भारत में ही होती होगी, ऐसा नहीं है। भारत के हर राज्य में हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। छह देशों की रामलीला इस बार भी अयोध्या में आ रही है और उन देशों की रामलीला भले ही भाषा अलग है लेकिन भाव और पात्रता एक जैसी है। जो भाव हमारा है, जो भाव अयोध्या का है, जो भाव भारत का है, वही भाव दुनिया का भी है। यही कारण है राम की संस्कृति एक महान संस्कृति बनी, दुनिया ने हाथों हाथ लिया। आज थाईलैंड के राजा अपने आप को राम के वंशज मानते हैं, थाईलैंड की पुरानी राजधानी अयोध्या कहलाती है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन सबसे बड़ा मुस्लिम देश होने के बावजूद जो नेशनल फेस्टिवल वहां का होता है वह रामलीला के साथ होता है, रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ता है। राम को वे आज भी अपना पूर्वज मानते हैं, कहते हैं इस्लाम हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। पूजा पद्धति बदली जा सकती है लेकिन पूर्वज नहीं बदले जा सकते हैं और आज भी इंडोनेशिया के अंदर भाव इस रूप में देखने को मिलता है। लाओस में, कंबोडिया में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में रामलीला का भव्य आयोजन और उसमें से तमाम मंडलियां प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या बुला रहे हैं। अयोध्या के माध्यम से रामलीला का मंचन के माध्यम से उन्हें ऊंचाई दी जाती है और मेरा प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए, रामलीला समिति प्रयास करे। जब आप यहां रामलीला का आयोजन करते हैं तो हर वर्ष अयोध्या श्री राम शोध संस्थान के साथ बातचीत करें और रामायण शोध संस्थान के साथ बातचीत करके विदेश से आने वाली रामलीला को भी एक दिन के लिए जरूर बुलाइए। 3 घंटे का उनका मंचन होता है, बहुत अच्छा मंचन होता है। आप भी देखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति किस रूप में दुनिया के अंदर गई है और उस भाव को अगर हम भी देखेंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि राम वास्तव में हमारे लिए केवल एक उपासना के पात्र नहीं बल्कि राम के जीवन का प्रत्येक अवसर हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करने का
हमें एक अवसर प्रदान करता है। उनका जीवन आदर्शों से भरा हुआ है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम, जिन्होंने मर्यादा का एक सीमा हम सबके सामने प्रस्तुत की। जीवन का प्रत्येक क्षण क्षण मर्यादाओं से भरा पड़ा, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने मर्यादा की जो एक सीमा हम सबके सामने प्रस्तुत की, उससे प्रेरणा प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। विजयादशमी का यह पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं आज की अवसर पर जब एक बहुत अच्छे आयोजन के साथ यहाँ पर जुड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं रामलला समिति को हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने रामलला के इस भव्य आयोजन को यहाँ पर अनवरत इसी रूप में बनाए रखा है और इस आयोजन को और भी धीरेता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। रामायण की एक एक कथा हम सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है, व्यापक सुधार ला सकती है। हम सबको समाज और राष्ट्रीय जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा प्रदान कर सकती है, उससे हम लोग प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ मैं रामलला आयोजन समिति को हृदय से साधुवाद देता हूं। जिन पात्रों को यहां पर लाया गया है और उन्होंने यहां पर मंचन में लोग कर रहे हैं, ये रामलला अभी आगे चलेगी, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और ये परंपरा अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी के प्रति विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी बने और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद हम सब पर बरसे, इस विश्वास के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में भगवान राम की कृपा कि अमृत वर्षा निरंतर होती रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। Thank you.